आगरा के बरेन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने बुधवार की शाम को चैत्र शुक्ल नववर्ष के उपलक्ष्य में नगर में पंथ संचालन निकालकर हिंदू समाज को संगठित होने का संदेश दिया है। कस्बा में चंद्र वाटिका से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवाओं ने बुधवार की शाम को पथ संचालन भी निकाला। पथ संचालन बरेन एदमतपुर मार्ग बस स्टैंड हनुमान चौराहा मेन चौराहे पचकुइया रावत कॉलोनी से ताल मोहल्ला स्थित माता भगवती देवी विद्यालय में आकर संपन्न हो गया। पथ संचालन में स्वयंसेवक संघ की वेशभूषा में चल रहे थे। जगह जगह पुष्प वर्षा कर पथ संचालन यात्रा में शामिल स्वयंसेवकों का स्वागत किया गया। देवेंद्र कुमार, शहर जिला कारवा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रामबाग जिला। आज वर्ष प्रतिपदा के उपलक्ष्य में बरेन जो एतमादपुर खंड के अंतर्गत आता है उसमें पथ संचलन का एक कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम में पूरे एतमादपुर ब्लॉक, जिसे हम एतमादपुर खंड कहते हैं, उसके स्वयंसेवक आए और वह स्वयंसेवक लगभग 130 की संख्या में यहाँ थे। सबने पूरे बरेन में चंद्र वाटिका एक मैरिज होम है वहाँ से शुरुआत करके बाजार में होते हुए और यहाँ माँ भगवती शिक्षा निकेतन पर ताल मोहल्ला है वहाँ पर समापन हुआ है। पूरे जोश के साथ सभी को नववर्ष की शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? हमारे प्रताप सिंह से जिला शारीरिक शिक्षा प्रमुख जिला रामगढ़ जी। आज नववर्ष के इस अवसर पर पंथ संचलन का तय किया था केंद्र ने, तो आज पूरे हमारे ब्लॉक में पथ संचलन हुआ है। लेकिन पथ संचलन के बाद जो युवाओं में जोश है मातृभूमि के लिए, वो कहीं ना कहीं परम वैभव की ओर ले जाता हुआ दिख रहा है। और इन युवाओं में जो जोश है वो कहीं ना कहीं अच्छे संस्कार, अच्छे विकास और सुसभ्य जो सभ्य समाज के आगे ले जाने के लिए कार्य कर रहा है। ऐसा हिंदू समाज कार्य करने के लिए तैयार हो रहा है और सभी बहुत उत्साहित हैं और आगे ऐसे कार्यक्रम बरेन में होते रहेंगे जिस प्रकार से हिंदू नौजवान जुड़ते रहें और सामाजिक सर्वांगीण उन्नति के लिए हिंदू राष्ट्र का विकास कैसे हो, उन्नति कैसे हो, उसके लिए कार्य करते रहें।